नमस्कार बच्चों, आशा है आप सब स्वस्थ हैं। आज हम अर्थशास्त्र का पहला अध्याय विकास का भाग दो पढ़ने जा रहे हैं। इस भाग में हम देशों और राज्यों के बीच तुलना करेंगे, जानेंगे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, नीवल उपस्थिति अनुपात। तो सबसे पहले हम ये भाग शुरू करने के पहले हम जानेंगे विकसित और विकासशील देशों में अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, विकसित देश उन्हें कहते हैं जिन देशों में औद्योगिकरण की गति व प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, आत्मनिर्भर व समृद्ध हो, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग हो, साक्षरता दर उच्च हो और उच्च प्रौद्योगिकी विकास हो, गरीबी व बेरोजगारी निम्न हो, अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का मुख्य योगदान हो, आय का वितरण समान हो, मानव विकास सूचकांक उच्च स्तर का हो और सकल घरेलू उत्पाद भी उच्च स्तर का हो। विकासशील देश उन्हें कहते हैं जिन देशों में औद्योगिकरण की गति और प्रति व्यक्ति आय अधिक ना हो, गरीबी व अन्य देशों पर निर्भर हो, संसाधनों का अल्प प्रयोग हो, साक्षरता दर निम्न हो, प्रौद्योगिकी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो, गरीबी और बेरोजगारी उच्च हो, अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान प्राथमिक क्षेत्र का हो, आय का वितरण असमान हो, मानव विकास सूचकांक निम्न स्तर का हो और सकल घरेलू उत्पाद भी निम्न स्तर का हो। बच्चों, देशों के बीच तुलना के लिए उनके आय को महत्वपूर्ण समझा जाता है। अगर हम किसी देश की आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं तो उसको मापने का तरीका आय होता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मानो कि अगर हमारे पास आय बहुत है तो हम अपने लिए सारी भौतिक वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो बच्चों, आय के आधार पर देशों को विकसित, विकासशील और अविकसित देशों का दर्जा दिया जाता है। जैसे अमेरिका एक विकसित देश है और भारत एक विकासशील देश है। अब हम जानेंगे औसत आय के बारे में। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। देशों के विकसित या विकासशील होने का अंदाजा हम औसत आय या प्रति व्यक्ति आय से लगाते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, जो 2006 में प्रकाशित हुई, भारत निम्न आय के देशों में आता है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय सन 2004 में 28,000 प्रति वर्ष थी। यद्यपि प्रति व्यक्ति आय तुलना के लिए उपयोगी है, फिर भी यह पता नहीं चलता कि यह आय लोगों में किस तरह वितरित है। यहाँ पर एक उदाहरण से हम इस बात को समझेंगे। हम इस तालिका को देखेंगे। इस तालिका में दो देश हैं, देश क और देश ख। मान लीजिए दोनों देशों में 5-5 व्यक्ति रह रहे हैं। देश क में पहले व्यक्ति की मासिक आय है 9,500, दूसरे व्यक्ति की 10,500, तीसरे नागरिक की 9,800, चौथे व्यक्ति की 10,000 और पांचवें व्यक्ति की 10,200। लेकिन जब हम देश ख की बात करते हैं तो इसमें 4 व्यक्ति 5-5 सौ की मासिक आय ले रहे हैं और पांचवा व्यक्ति 48,000 मासिक आय कमा रहा है। तो इस तालिका से ये स्पष्ट हो जाता है कि देश क में मध्यम आय वर्ग के लोग रहते हैं और देश ख में आय का वितरण असमान है, जहाँ 4 लोग की आय बहुत निम्न है, यानी वे गरीब की श्रेणी में आ रहे हैं और पांचवा आदमी बहुत अच्छी आय ले रहा है। लेकिन दोनों देश की
औसत आय की बात करें तो वे बराबर हैं। दोनों देश की औसत आय 10,000 बन रही है। तो बच्चों, यहाँ हमने औसत आय कैसे निकाली? पांचों व्यक्तियों के कुल आय को हमने 5 से भाग दिया है तो दोनों देशों की औसत आय बराबर आई। लेकिन आर्थिक दृष्टि से का देश विकसित है क्योंकि यहाँ 5 लोगों की आय बराबर है। अब तालिका 2 में हम 3 राज्यों की प्रति व्यक्ति आय देखते हैं, हरियाणा, केरल और बिहार। हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय 1,80,174 है, केरल का 1,63,475 है और बिहार का 34,409 है। इसका अर्थ यह है कि हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,80,174 रुपए कमाता है और बिहार में एक व्यक्ति एक वर्ष में 34,409 रुपए कमाता है। विकास को मापने के लिए अगर प्रति व्यक्ति आय का उपयोग करते हैं तो हरियाणा अधिक विकसित और बिहार कम विकसित राज्य माना जाएगा। अब हम कुछ और आंकड़ों पर गौर फरमाते हैं। इस तालिका में तीनों राज्यों का शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात को दर्शाया गया है। सबसे पहले हम इसमें प्रयुक्त हुए शब्दों का अर्थ समझेंगे। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत की संख्या को दिखाता है। साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात दिखाता है। निवल उपस्थिति अनुपात 14 और 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत दिखाता है। तालिका में हम देखते हैं कि केरल में 1,000 जीवित बच्चे पैदा हुए बच्चों में से 10 बच्चे एक वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। हरियाणा में यह अनुपात 30 है और बिहार में 35। बच्चों, हम विकसित राज्यों में उस राज्य को गिनते हैं जिसमें शिशु मृत्यु दर कम हो, साक्षरता दर अधिक हो और निवल उपस्थिति अनुपात अधिक हो। ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है लेकिन बाकी सब क्षेत्र में वह केरल से पीछे है? इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वह सब सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जिंदगी के लिए आवश्यकता होती है। तो बच्चों, यह भाग यहीं समाप्त होता है। इस भाग में हमने देशों और राज्यों की तुलना की और हमने जाना शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति अनुपात के बारे में। तो फिर हम मिलेंगे अगले भाग में।